महेश्वराय। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जीवनी शक्ति और ऊर्जा के देवता ग्रहों के सेनापति मंगल अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं, तो इसका कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। देखिए, 27 अगस्त 2024 से लेकर 20 अक्टूबर 2024 तक सेनापति मंगल मिथुन राशि यानी बुध से प्रभावित राशि में रहने वाले हैं और इन 55 दिनों की समयावधि में मंगल सभी राशियों के ऊपर अलग अलग असर भी डालने वाले हैं। मंगल का जो ये परिवर्तन हो रहा है, इसका देश काल वातावरण के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, तो इसका कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ने वाला है ये जानकारी देने वाले हैं। किन किन क्षेत्रों में शुभता मिल सकती है और कहां पर कुंभ राशि वाले जातकों को सावधान रहना है। देखिए, मंगल के बारे में अगर हम आपको जानकारी दें तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपकी कुंडली में तो मंगल देव जो हैं वो आपके पराक्रम घर के स्वामी बनते हैं और आपके कर्म भाव के स्वामी बनते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में मंगल को साहस और संकल्प शक्ति का, छोटे भाई बहनों का, ताकत का, अचल संपत्ति का, सौतेली मां का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर मंगल अपना पूर्ण रूपण आधिपत्य रखते हैं। मंगल मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी माने जाते हैं। मंगल देव अगर जन्म कुंडली में प्रभावी अवस्था में, बलवान अवस्था में विराजित हो, जीवन में कई प्रकार की सफलता देते हैं। वाणी में उत्साह, शरीर में अभूतपूर्व क्षमता, विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता और मंगल के बलवान होने पर किसी के दबाव में रहकर कार्य ना करने की क्षमता होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि मंगल से प्रभावित ही हमारे भारतीय सीमा के जवान होते हैं, उनके अंदर जो जुनून होता है, जो आत्मबल होता है, वो मंगल का प्रभाव ही निर्मित करता है। और जब भी जन्म कुंडली में मंगल बलवान होते हैं तो सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त सफलता का योग बनाते हैं। कुंडली पर यही मंगल अगर नेगेटिव हो जाए, पीड़ित हो जाए, अपनी नीच राशि कर्क में चले जाए, शनि राहु केतु के प्रभाव में अगर आ जाए तो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी, रक्तचाप, बीपी की समस्या और मंगल के कमजोर होने पर अल्सर, हार्निया की समस्या हो जाती है। मंगल अगर कमजोर हो तो जातक जीवन में संतान उत्पत्ति करने की क्षमता काफी प्रभावित रहती है। मंगल के कमजोर होने पर शत्रुओं से पराजय का भी सामना करना पड़ता है तथा जीवन में मंगल के पीड़ित होने पर जातक को लगातार प्रयासों के बावजूद भी कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में असफलता मिलती है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में इसका कैसा प्रभाव मिलने वाला है। तो कुंभ राशि वाले जातकों, ये जो जानकारी है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो कुंभ राशि वाले जातकों, मंगल आपके पराक्रम घर के लॉर्ड बनते हैं और आपके कर्म भाव के स्वामी बनते हैं। 27 अगस्त से आपके पंचम घर में प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। कुंडली का जो पंचम घर है उससे शिक्षा के बारे में, संतान, प्रेम संबंध, पूर्व पुण्य के बारे में मुख्य रूप से विचार किया जाता है। पंचम घर में विराजित हैं तो इनकी चौथी दृष्टि आपके अष्टम घर पर जाने वाली है। सातवीं दृष्टि जो है वो आपके राशि के 11th हाउस यानी लाभ स्थान में जाएगी और जो इनकी अष्टम दृष्टि है वो आपके राशि के व्यय भाव पर भी जाने वाली है। तो यहां पर कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार के अवसर और परिवर्तन और कई प्रकार की सावधानी मंगल के प्रभाव से मिलने वाली है। सबसे पहले तो कुंभ राशि वाले जातकों, अष्टम घर से मंगल का संबंध बनेगा और पंचम घर में मंगल विराजित हैं, तो इस समयावधि में आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में आपका जो जुड़ाव है वो काफी ज्यादा बढ़ने वाला है।
मंगल प्रभावी होंगे तो इस समयावधि में कर्म क्षेत्र के मामले में आपकी जो ऊर्जा शक्ति है वो सराही जाएगी और करियर के मामले में आपका जो मनोबल है उसमें विशेष विकास मिलने वाला है। व्यक्तिगत जीवन में कुंभ राशि के ऐसे जातक जो विरासत के माध्यम से किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी अर्जित करना चाहते हैं या विरासत के माध्यम से यदि आप जीवन में धन को चाहते हैं तो उसमें आपको मंगल शुभता दे सकते हैं। साथ में हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि मंगल का संबंध आपके एकादश भाव से यानी आपके लाभ भाव से बनेगा, तो जातकों के जीवन में लाभ को कमाने के लिए एक से अधिक माध्यम से धन को अर्जित करने के लिए जो अभूतपूर्व इच्छा शक्ति और अभूतपूर्व जो मेहनत की आवश्यकता होती है वो मंगल के प्रभाव से आपको इस समयावधि में मिल सकती है। अब देखिए यहां पर मंगलदेव आपके जीवन में एक विशेष परिवर्तन और भी करने वाले हैं। जीवन साथी के साथ सुखों में वृद्धि कर देंगे और जीवन साथी के प्रति नजदीकियां बढ़ाने वाले हैं, रिश्तों में सौहार्दता प्रेम का विकास करने वाले हैं। तो इस समयावधि में जातकों के जीवन में उत्साह की वृद्धि प्रबल रूप से होने वाली है, साथ में प्रेम जीवन में भी शुभता मिल सकती है और वैवाहिक जीवन में भी आपको इस समयावधि में शुभता मिल सकती है। और इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास भी होने वाला है। अब चूंकि पंचम घर में ये विराजित हैं और पंचम घर होता है आपके पेट का होता है तो ये गर्म ग्रह हैं, तो इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातक यदि तामसिक पदार्थों का ज्यादा सेवन करते हैं या इस समयावधि में यदि आप मांस धूम्रपान शराब सभी चीजों को यदि आप अपनाते हैं तो आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए खान पान की आदत का विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता कुंभ राशि वाले जातकों को रहने वाली है। अब कुंभ राशि वाले जातकों को धार्मिक दृष्टिकोण से उपाय की जानकारी दिया जाए तो कुंभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में देखिए सबसे पहले तो यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो स्थिति आपके जीवन में श्रेष्ठता देने वाली है। मंगल से जुड़ा हुआ यदि आप दुष्प्रभाव समाप्त करना चाहते हैं तो इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों को बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। गायों के लिए यदि आप हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो भी आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में अच्छी अवस्था का निर्धारण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।